अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे अम्मा, तुम तो बेकार में बात को तूल दे रही हो है? हम लोग तुम्हारे दुश्मन थोड़ी हैं कि जरा सी भी कोई बात हुई और चिढ़ के तुम्हारी चप्पल काट दे। अरे बात तो समझो ना कि भैया क्या कहना चाह रहा है। अरविंद बेचारा बहुत परेशान है, लेकिन वो आप दोनों से बहुत प्यार करता है, बहुत उम्मीदें हैं उसे आपसे, इसीलिए बेचारा गुस्से में आकर ये सब कर रहा है। अच्छा बाऊजी, वो बेचारा आपसे क्या चाहता है? सिर्फ यही तो चाहता है कि उसकी परेशानी में, दुख दर्द में आप लोग साथ दें और यशोदा का साथ छोड़ दें। बाऊजी, अगर यशोदा से दूर नहीं रह सकते हैं तो कम से कम इतनी दूरी तो बना लीजिए कि उसको ये तो लगे कि उसके माँ बाप यशोदा के साथ साथ उसके अपने भी माँ बाप। हाँ तो है ना, हम हैं इसके माँ बाप, छोड़ थोड़ी दिया इसे, इसका दुख समझते हैं हम, दिखता है हमें, लेकिन दुख दिखाने के लिए यशोदा से दूरी की क्या जरूरत है? अपने दुख को यशोदा की नफरत से ढकने की बजाय ये समझ लो कि यशोदा ने रणधीर के इल्जामों से अपने आप को बाहर निकाला है, तो वो इस इल्जाम से भी अपने आप को निर्दोष साबित करेगी। जब करेगी तब देख लेंगे, फिलहाल हमें ये जानना है कि आप दोनों ने क्या फैसला किया है। क्या फैसला? कौन सा फैसला? हम यशोदा के यहाँ जा रहे थे और वहीं जाएंगे, और जब हमारे पति नंगे पैर जा रहे हैं तो इस दुख में उनका साथ देने के लिए उनकी पत्नी, हम भी नंगे पैर जाएंगे। नहीं मालती, तुम नंगे पैर क्यों जाओगी? बिल्कुल नहीं। अरे एक बेटा चाहता है कि उसका बाप तकलीफ सहे, लेकिन पति नहीं चाहता है कि उसकी पत्नी उसके लिए तकलीफ सहे। बेटे की ऐसी हरकतों से और तकलीफ क्या होगी हमें मालती? ये लो, इसे रख लो। इसे देने की दो वजह है। पहली वजह ये कि हमने तुम्हारा कप तोड़ा, तो उसके पैसे तो तुम्हें मिलने चाहिए, और दूसरी वजह, अगर हम ये पैसे लेकर गए तो तुम्हें लगेगा कि बुड्ढा कहीं चप्पल ना सिलवा ले, और हमें दुखी करने की तुम्हारी सारी कोशिशें बर्बाद हो जाए, इसलिए हम खाली हाथ ही जाएंगे, ताकि तुम्हें तसल्ली बनी रहे कि हमें दुख पहुंचाने में तुम पूरी तरह से कामयाब रहे। और हां, ये चप्पल अपने हाथ में पकड़कर लेकर जाएंगे, ताकि हमें याद रहे कि जिस बेटे के पैर हम जमीन पर नहीं पड़ने देते थे, जिसे अपने कंधों पर उठाकर दिन रात घूमते रहे, आज उसी बेटे ने अपने बाप के पैर से उसकी चप्पलें छीन ली। भाऊजी, क्यों कर रहे हैं आप ये सब? क्या चाहते हैं आप? कि आप चप्पल लेके बाहर निकले और चार लोग आपसे ये पूछे कि गुप्ता जी हाथ में चप्पल लेकर क्यों जा रहे हैं, फिर आप अपने बेटे की बुराई करके उनकी सहानुभूति बटोर सके? नहीं दामाद जी, हमारी आदत नहीं है आपकी तरह कहीं भी कुछ भी बोलने की। हाँ, अगर किसी ने हमसे पूछ लिया कि गुप्ता जी नंगे पैर हाथ में चप्पल लिए कहाँ जा रहे हैं, कह देंगे चप्पल टूट गई है, उसे सिलवाने जा रहे हैं। अब उसे थोड़ी ना पता है कि हमारे तलवे में दर्द रहता है।
और हम भी बेटा इसे ऐसे हाथ में पकड़ कर यूं आंचल में छुपा कर ले जाएंगे ताकि तुम रिश्तों को समझ सको कि रिश्तों में जब किसी एक को तकलीफ होती है तो दूसरे को उसकी तकलीफ समझनी चाहिए, उसकी उस तकलीफ में उसका साथ देना चाहिए। और अभी यशोदा बहुत तकलीफ में है, लेकिन तुम उसकी तकलीफ समझनी तो दूर, उसे चैन से जीने भी नहीं दे रहे हो। कृष्णा, तुम्हारी अम्मा, तुम्हारे बाबूजी सब तकलीफ में हैं, लेकिन तुम्हें किसी की भी परवाह नहीं। तुम्हें तो बस अपनी जिद और अपना दुख दिखाई दे रहा है और किसी को कुछ नहीं। अफसोस कि हम तुम्हारी परवरिश अच्छे से नहीं कर पाए। अफसोस करना है तो अफसोस कीजिए कि आप हमारी मां होकर हमारे दुख में ना शामिल होकर उस यशोदा की फिक्र कर रही हैं। जाइए जाइए। कल को जब तुम्हारा बेटा बड़ा होगा अरविंद, और भगवान ना करे तुम्हें ये दिन देखने पड़े, तब तुम्हारी समझ में आएगा क्यों यूं चप्पल हाथ में लेकर नंगे पैर घर से बाहर निकलना कोई नौटंकी नहीं थी, तुम्हारे माँ बाप की मजबूरी थी, उनकी बेबसी थी और इस उम्र में उनकी लाचारी थी। अरे भैया, तुम इन लोग की बकवास पे ज्यादा ध्यान मत दो, समझे? मम्मा की तो आदत ही ऐसी बनाने की। अब एक बात बताओ, अगर माँ बाप इनकी तरीके के हों हैं और बेटा अगर अपने हक के लिए जरा सी सख्ती कर रहा है तो कौन सी गलत बात कर रहा है, बोलो? यही लिए तुमसे हम कह रहे हैं, समझे? तुम ज्यादा टेंशन मत लो, सब सही हो जाएगा, है? पर तुमको इनके जैसा बाप नहीं बनना है। तुमको अपने बेटे सोनू के लिए एक आदर्शवादी बाप बनना है, जो हर हाल में अपने बेटे का साथ देता है। और तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है ना, बस यशोदा से तुम उसका हिसाब ले रहे हो, बस। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।